পাঁচ টাকা কে তো না তো কে জোর করা বিলকুল চোর মিনো কি তো ছোট ইয়া কি কোন ছোট সগলা ভাইন রাম রাম মাউন থারু দেশি পত্রকার রবি খবর লোক চ্যানেল পর থারু বহুত বহুত স্বাগত হ্যা জওয়ানা কে আর কিষানা কে প্রতিবদিত খবর লোক চ্যানেল না থে আগর অভি তক সাবস্ক্রাইব নি করো তো সাবস্ক্রাইব জরুর কর লো গ্রাম পঞ্চায়েত বাজলা বিকো হি এক জো আপনা গাঁও হ্যা ছোটো সো ফিরান্স কো বাস বৈঠা কি জো ঘটনা হ্যা कि मेरे पीछे जो देख रहा हो कि एक जो आपने पशुओं के लिए जो बना रखी हो एक छपरी टाइप में जो बना रखी ही बिकमान जो आगजनी होगी कद की के घटना है की वजह जो आगजनी या जो हुई और कतों के नुकसान हुए पूरी जानकारी है जो वीडियो के अंदर ले सें वीडियो पर बना रहो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि परिवार की मदद हो उसके किसी के जो हालत है और मुख्य रूप से जो देखा कि कतों के नुकसान है एक मान रही और आग लागण की के वजह ही जो री जो मान जटकठा तक जो पतो चाल रहे है और अभी फिलहाल कतों के बाकी मदद जो हो चुकी है ये घटना जो उठी हुई है 29 तारीख की है और पहले झगड़ा घर का सोचा है बेरोगन पट्टियों के कहें कि आग लगी है और अचानक चटर का पाटता दिखा जरा आके देखा बाजार सगड़ा लोग बाग बाजार जाऊन ने तो काफी लाग गई अच्छा फिर पानी घेरो मोटर चालू कर दी पानी घेरता रहा फिर भी आग बुझी काफी और गांव का लोग बाग आ गया गांव का लोग बाग आ गया जब बुझाऊन लगे थे भी बुझी गुनी मान तीन बछड़ी ही गाय ही पूरी एकदम से बढ़ गई अच्छा थारी ही के हाँ थारी बंदरी ही के नाम है तारो मेरे मंदिर नाम महेंद्र जी इमरताराम है मेरे पापा को नाम इमरताराम इमरताराम जी जो पिताजी को नाम है के काम करे करो बस मजदूरी करा खेती बाड़ी को ये काम करा अच्छा खेती बाड़ी को जो काम करो हाँ, मजदूरी करो बाकी मजदूरी गांव में मजदूरी मिल जाए तो मजदूरी कर ले और तीन तीन गाय साइड में बंदरी ही बगत मैं साइड में खड़ी खड़ी अब भी बगत लाग गई जाए बढ़ गई और एक गाय बड़ी गाय दूध अभी के अंदर ही और बछड़े भी अंदर बन रहा वहाँ निकाल कौन पाया बाबी कमाए चढ़ गया पत्तो लागे नहीं के मालिक की कुदरत है चांस के ये जब जाग गया ये बास निकली जल निकली दूध बाज जा कोई तक की ये चार मेरी फिर गई गऊ निकली हाथ को निकली तो जलगीर कोई ये गा बाज पड़ी वहाँ पड़ा पुड़ के खून तोड़ बाबी गायल तो हो रही है इब तक की जियो है बात और मर गई पर पाँच गऊ बन रही इसका माँ अच्छा एक जो एक टपरी से बना रखी मायने ही ऊपर भी पूरा यही पानी का रही पानी का चार मेरी खड़ा पूरा तो पांच मिनट में फिर गया कोई कल न पाया नहीं कोई काट न पाया जब दही बड़बड़ा के इधर गौ कोई तो बुनने गई मैं सीज गिर कोई एक गा बाजी वा थोड़ी सी क्या निकली बाज गिर वा भाई बड़ गई घायल तो हो रही है वह भी घायल हो रही है वह भी कोई जीवन की सांस को नहीं रुपये और वो फूल गिर मर गई सीध गई हो गया जी तो जो देखा आपा कि जो गाय ही ना वे आपने दूध धार देती के या फिर कोई छोटी बच्ची टाइप में ही की बैडी है बागा बहुत बात पड़ी थोड़ी बात खुंटन फड़ा की बाग के बाद सगड़ी घायल हो रही बाबरी और वो मैं काटन पाया कौन बाकी तो पूरा चार मेरे दोस्त लाग रहा अच्छा मतलब जो टपरी जो बना रखी है चारों और जो अपने पानी का पुड़ा ही जो लगा रहा है पानी का पुड़ा ही लगा रहा है जाडो जाप करो जाडो जाप तो करो कुत्ता को करो मगर कभी कुत्ता ना खा जा और पास में नल को लगाया तो शायद में वास्ते बुझी को ना बुझी को ना तो ना टपर भाग भाग दे पूछ का तो है ये अगर माई बच चार गा बढ़ गई थोड़ी थोड़ी पूंछ आ रही जोर के चलते तो मैं सह बढ़ जाता हवा चल रही मतलब रातन हाँ भाई टिट्टी चाल रही थोड़ी थोड़ी हाँ तो थोड़ी चाल रही बोली चाल से मैं सगड़ा बढ़ जाता हाँ कार तो बहुत चाल रही है भयंकर चालती तो क्या उपाय है हाँ का कोई जोर को ना मैं तो घोड़ में थोड़ा हो गया यहाँ ऊपर मुंडा कर कर भाग गया मैं तो खोज कर देखा और काल आंधी चाल की आंधी चाल की काल कण सी जो लगेड़ी है कि टाइम जी टाइम बुझायो जी टाइम देखियो तो बतो 3 पूरा बज रहा 3 बज रहा तो खोज कर देखा मैं तो सगला इनु बे भाग के आ मैं तो टपरी कई ला गया मैं मारी गा बड़ गई गा बड़ गई जब आ तो बाप ने आप ही खुंटो फड़ा के भाग गए तो थोड़ी घनी बच गई ने बा भी वहाँ बढ़ जाती 50,000 के लिए मंडर यार इतना के ऊपर ला दिया इतना और रास्ता हो गया गरीब आदमी को दूरदार बेच के काम काटा कर तो यानी एक खड़को टाबर खा लेंगा एक खड़को भाई बेच लेंगे काम काट देंगे मजदूरी तो कना और को ना हो
बाप को फिर आपको हाथ टूटे दिल में पढ़ाया कौन टावरा कड़ी पढ़ावा है कमाओ नहीं कोई हाथ टूट के देना पुलिस वाला आया बंक कोई आया है कि कोई बातचीत करी के अभी करी ना ये के बोल के कुछ जो बोल बोले क्यों क्यों करांगा भाई सारे आप पाई गरीब आदमी करांगा भाई जब को ईट तो बोली मंगी ईट ले आए कौन के लठ काट काट के रीत रीत कर ये खड़े ये साथ में ये देखा है पक्का कर यार ये क्यों निकला बस से कागज तो ना तो के जोर करा बिल्कुल चोर मैंने क्यों तो छोड़ा या क्यों कौन छोड़ा ये थोड़ा सीप के नलकुल गया थोड़ी घनी बुझी वास्ते कड़के तो कासा चढ़ गई ये भड़तक जल लग गई तो मैं बंस गया मैं टाबू टूबर ने मैं बढ़ गया था माइन बंस गया टाबू टूबर तो बंस गया भाग भाग आए तो भाग में भी के करा वापड़ो वास्ते का के करा हाँ तो ऊपर भी है पूड़ा की ही और नीचे भी चार मेरे पूड़ा लगा रखा ज्योड़ियाँ बांध रहा है पास ये लट देखा का पक्का पक्का ही गरीब आदमी जो देखा कि अगर पक्को मकान अगर नहीं बना सके क्योंकि खुद रहने के लिए भी थोड़ा बहुत आपको जुगाड़ कर रहा है क्यों लेकिन अभी पशुओं के लिए अपने गाँव मोस्टली हैं कि जो कच्चा टाइप में जो बना के रखे हैं और बठे जो या सो बड़ी समस्या यही कि आगजनी की वजह देखा कि आज बाकी जो गाय हैं तीन गाय जो जल चुकी हैं और जल के पत्तो ख़त्म भी हो चुकी हैं तो के मांग है जो प्रशासन को करना चाहो थे अभी वो भाई कुछ के मदद जो थारी करी जाए मदद की करी जाए भाई प्रशासन जो अपना के मदद थारी मन करे वो भाई करो मारो पहले रेवड़ने का जिद को मेरा तो खराब हो रहा खोपड़ी रेवड़ी मारे निकल गए तीन चार लाख को आठ सात वर्ष हो गया अच्छा मेरा मारो रेवड़ निकल गए तो मेरे दिमाग टल रहा है मैं खूँ तो क्यों ते खो गो मैं तो समझो को लिए जाना सुनाओ कुछ साल पहले की जो घटना बताई जा रही है कि आके ही जो है कि भाई जो आपके भेड़ वगैरह राड़ता वह भी यहाँ की चोरी होगी और अब आगजनी होने की वजह देखा कि अभी जो गाय है यहाँ की जल गई बहुत बड़ो एक जो नुकसान है क्योंकि दूध वगैरह बेच के जो आपको जो गुजारो कर रहा है और आज आगजनी होने की वजह जो परेशान है सरपंच जी आ जाओ तो फ्रांस के बाद जो सरपंच जी हैं वह भी अपने साथ हैं अभी तो बहुत बातचीत करा तो सब थन की जानकारी जो मिली ही है अभी हाँ जी मैं ये आपको बताना चाहूँ कि सुबह 5-6 बजे के आसपास मेरे को फ़ोन आया कि साहब ऐसे ऐसे आग लग गई तो मैं सीधा ही घर से राम रूम के लिए गांव में आया था तो वहाँ पता लगा तो मैं अपने एक दो साथियों को लेके घटनास्थल पर आया आके देखा तो बहुत जोर भीषण हालत थी बहुत ही दयनीय स्थिति 4-5 बछड़े गाय बुरी तरह झुलस के अंदर जा ही चुके थे एक गाय थी तो उसको मतलब आँखें वगैरह सब जल गई सारा ऐसे बुरी हाल थी उसकी तो फिर मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया डॉक्टर साहब ने फिर आके दवाई दवाई लगाई बिगे बाद में FIR के लिए पुलिस ने करो पुलिस को बुलाया FIR करवाई फिर भी के बाद में मतलब वो ख़त्म होगी क्योंकि आगे तो अपने को डिस्पोजल तो करना ही था कुछ न कुछ तो पोस्टमार्टम के लिए गए हुए पोस्टमार्टम की छुट्टी होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई लेकिन फिर भी डॉक्टर लोगों को बहुत बड़ा सहयोग है कि मैं बेचारा छुट्टी के दिन दुल्हंडी के दिन भी आके पोस्टमार्टम करके गया पुलिस को भी बहुत बड़ो सहयोग रही हो कि मैं भी आके उरे करके गया सारी रिपोर्ट FIR करके गया बेगे बाद में आपके गांव वालों ने भी बताया गांव वालों में भी अपील करी है कि भाई जन सहयोग करो कुछ मदद करो बिल्कुल गरीब हैं बहुत ही कि क्या बताएं बच्चे हैं अनपढ़ हैं थोड़ा बहुत मजदूरी करते हैं बेचारे दूध दाद करके काम चला रहे हैं अपना लेकिन यह जो घटना है यह बहुत ही दुखद घटना है मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते ये अपील भी करता हूँ आपके चैनल से भी अपील करता हूँ और सरकार प्रशासन से भी अपील करता हूँ कि इसकी जितनी हो सके मदद करी जाए या और जन सहयोग की भी अपील करता हूँ तो मेरी कोशिश यही है कि जनता और प्रशासन दोनों मिलकर इस गरीब परिवार की बेचारों की थोड़ी मदद करी जाए और इनको थोड़ा संबल दिया जाए सहायता दी जाए
देखो सरपंच जी, जब गांव की यह घटना है कि भाई चलो थन सुबह पतो चलो, लेकिन के गांव में है कि आगजनी की वजह थोड़ा सो रीजन अगर आप जानना चाहो कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते थे भी देखे होगो कि एक टपरी है भाई बिकमान आग लगी है, क्योंकि पास में देखा कि तो बड़ो झूड़ो भी है जो अपने छड़बी को, और आस पास में और भी जो फसल है खड़ी है, तो अगर आग अठाऊ फैल जाती नहीं पतो चाल तो चलो भाई के अंदर तो पशु हा भी वजह चलो भाई जै भी कोशिश करी तो पतो चाल गो, अगर नहीं पतो चाल तो बहुत बड़ी समस्या ही है। बिल्कुल, मैं जब तक सोचू हूँ कि होली को पर्व हो, दुलंडी को हो, और आपने उरे पटाखा वगैरह चलाने को रिवाज है, तो मेरा आइडिया ये है कि होसके कोई पटक हो आके गिर गयो है, चिंगारी आ गई हो, क्योंकि होली भी जलाते हैं, हो सकता है कोई चिंगारी बची हो या कोई पटाख को ऐड हो, झट तक मेरा आइडियो ये है। बाकी कोई दुश्मनी अड़ोस हो कोई अँ की तो कोई बात को नहीं कि कोई आके सागे करे, तांत्रिक तुंत्रिक इतना ज़्यादा यहाँ है नहीं मामला। दूसरी बात ये है कि त्यौहार की वजह से पटाखा वगैरह ही हुआ है, क्योंकि वो चीज़ होने से तो पता लग जाता है कि पहले किसी चीज़ में लाके डाल के गए, कुछ भी करके गए, जैसे पहले कोई छाने में लाके दिए, ऐसे जल्दी से तो लगेगा नहीं। इसमें यह हो सकता है कि कोई पटाखा या जो रॉकेट टाइप चलाते हैं वो आके गिर सकता है, और पानी का ये पूड़ा होने की वजह से, क्योंकि यदि बारूद एक तरह की तो इसमें लग गया और हवा चल रही थी, हवा चल रही थी तो फैलना ही है, तो मैं इस चीज़ को कम मान रहा हूँ जी। अब जो देखा कि मुआवजा को की के प्रावधान है, क्योंकि ग्राम पंचायत की ओर हूँ या फिर आपने कोई और भी जो कोष हैं, सहायता कोष हैं, बहुत कोई प्रावधान है जो कुछ मदद मिलेगी? हाँ, मैं प्रशासन से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि इसको मुख्यमंत्री सहायता से या आपदा प्रबंधन से कुछ मिल जाए मदद, तो इसके लिए हमने FIR कर दी है, पोस्टमार्टम कर दिया है, और जो भी हमारी कार्रवाई है वो हम करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो जो देखा कि यो तो पूरा मामलो हो कि आगजनी होने की वजह जो बताई जा रही है कि भाई कुछ चिंगारी वगैरह जो लागण, लेकिन के जो वजह रही वो तो एक जाँच को विषय है, और बिल्कुल की जाँच होनी चाहिए, और जांच हो के जो परिवार की मदद है बिल्कुल बिकमान होनी चाहिए, क्योंकि गरीब परिवार ही जो अपने गांव मोस्टली कि दूध बेच के एक बहुत बड़ो व्यवसाय है अपने दूध को, कि दूध उत्पादन करके भी बेचे हैं और भी थोड़ा बहुत आमदनी हुआ है, और वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य यो भी है कि अपने गाँव में जो अपने पशुपालक ही बन ए की चीज़ों थोड़ा सो सावधान रहना चाहिए, सतर्क बन भी चीज़ों रहना चाहिए, और आसपास में पटाखा चल रहे हैं या फिर कोई भी है कि जो मानसिकता का लोग अगर काम कर रहे हैं तो बाऊ बन बचाना चाहिए, और हो सके वे कि कोई संस्था भी आपने बनाई जाए ताकि ऐ की जो घटना हो बाऊ बचो जा सके। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, थारे भी आसपास में कोई भी घटना है तो भी के बारे में भी लिख के बताओ, ताकि बैठे भी पूछागर हो सके कि जो मदद करने की जो कोशिश करी जाएगी। और ई परिवार का जो कॉन्टेक्ट नंबर ही मैं अभी अपने वीडियो के अंदर आप डाल रहा हूं, तो जो भी भाई जो इच्छुक हैं, जो भी मदद आंकी करना चाहे हैं, तो वह कॉन्टेक्ट नंबर संपर्क करे और आंकी हो सके बत्ती मदद बाकी करे। चैनल पर बने रहो, देसी खबरों के लिए खबर लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।